युवाओं से बिहार सरकार की सामूहिक ठगी। बीएड कर लोगे पर सरकारी जॉब मिलेगी क्या? 4 लाख युवाओं से बिहार सरकार की सामूहिक ठगी। आइए इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। आजकल ठगी के ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां नौकरी देने या दिलाने का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। छात्र भी ठगी के इस पैटर्न को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बेरोजगारी चीज ही ऐसी होती है कि युवा बार बार ऐसे ठगों के झांसे में आते रहते हैं, ठगी का शिकार होते रहते हैं। हम आपको युवाओं के साथ ठगी के एक ऐसे क्लासिक उदाहरण के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लोगे, क्योंकि युवाओं के साथ ये ठगी किसी व्यक्ति, समूह, गिरोह या संगठन ने नहीं की, बल्कि ये ठगी बिहार सरकार ने की, वे भी सामूहिक रूप से, और आप चाहे तो इसे सरकारी स्कैम भी कह सकते हैं। दरअसल बिहार स्कूल शिक्षा विभाग ने इसी वर्ष जून में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 12 जुलाई तक रखी गई थी। शिक्षक भर्ती में परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के कुल 1,70,461 पदों पर भर्तियां होनी थी, जिसके लिए 8,15,000 युवाओं ने फॉर्म भरे और इसमें करीब 3,80,000 अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारक थे। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फॉर्म भरे जाने के करीब एक महीने बाद यानी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार जिन छात्रों ने बीएड किया है वे पहली से पांचवी तक के छात्रों को नहीं पढ़ा सकते हैं, वे सिर्फ 6ठी से 12वीं तक की क्लासेज को पढ़ाने के लिए योग्य हो गए। बस अदालत ने इसी आदेश की आड़ लेकर बिहार सरकार और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिहार के बीएड डिग्री धारक युवाओं के साथ सामूहिक ठगी को अंजाम दे दिया। बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएड कर चुके युवाओं को प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा देने से नहीं रोका। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है वे फिलहाल परीक्षा दे दे, क्या करना है यह फैसला बाद में लिया जाएगा। इसलिए 24, 25, 26 अगस्त को बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें बीएड वालों छात्रों ने भी हिस्सा लिया। हमने उस वक्त भी बताया था ये छात्र किस तरह के हालात में परीक्षा देने पहुंचे थे। कोई घुटनों तक पानी में डूबकर परीक्षा केंद्र पहुंचा था तो किसी ने परीक्षा देने के लिए फुटपाथ पर रात काटी थी। रेलवे स्टेशन ही नहीं, बस अड्डों और आसपास के मंदिरों तक में छात्रों की भीड़ नजर आई थी। छात्रों ने यह सब मुश्किलें इसलिए सही थी ताकि वे सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल कर सके, लेकिन परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट की बारी आई तो बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बीएड वालों का रिजल्ट जारी करने से ही मना कर दिया। इन छात्रों ने परीक्षा के लिए करीब 1,000 रुपये परीक्षा शुल्क जमा किया था। इस लिहाज से देखें तो बिहार सरकार ने इनसे परीक्षा फीस के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल लिए, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि बीएड वाले प्राइमरी में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 11 अगस्त को सुनाया था। कायदे से बीपीएससी को तभी इन 3,80,000 छात्रों को प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम देने से रोक देना चाहिए था और उनकी एग्जाम फीस वापस कर देनी चाहिए थी, लेकिन बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद इसलिए परीक्षा करवाई ताकि वे पांचवी तक के लिए परीक्षा देने वाले बीएड अभ्यर्थियों की फीस वापस न करनी पड़े। अब परीक्षा करवाने के बाद बीपीएससी और बिहार सरकार को अचानक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद आ गई, यानी पहले तो फीस के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपए वसूल लिए गए और बाद में कोर्ट का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया। वैसे बिहार सरकार ने इनसे सिर्फ पैसे की ठगी ही नहीं की, उसने इनके सपनों और उम्मीदों को भी ठगा है। इन छात्रों को किसी संगठन, संस्थान या किसी व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया है, ये शायद ये सरकार से इंसाफ की गुहार लगाते, लेकिन जब सरकार ही ठगी पर उतर आई तो किससे गुहार लगाएंगे। पटना के नागेंद्र कुमार ने 2,00,000 रुपये खर्च कर बीएड किया। इस भर्ती से नागेंद्र कुमार को ही नहीं उनके घरवालों की भी उम्मीद जुड़ी थी, लेकिन सरकार की धोखाधड़ी ने उनके सपनों ही नहीं दिल और हौसलों को भी तोड़ दिया। ये बिहार के ये युवा हैं जिन्हें पहले सरकार ने सरकारी नौकरी के सपने दिखाए, भर्तियां निकाली, फॉर्म भरने के नाम पर मोटी फीस वसूली और जब रिजल्ट की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इन सबके कहने का अंदाज भले ही अलग हो लेकिन कहानियां एक जैसी है, सभी को सरकार ने साजिश के साथ ठगा है, वो भी खुलेआम। मेरी इस रिपोर्ट का मकसद यह है कि आप भी इन छात्रों का दर्द महसूस कर सके, क्योंकि सिस्टम की चमड़ी तो इतनी मोटी हो चुकी है कि उस पर शायद ही ऐसे अपीलों का कोई असर हो। वैसे बिहार सरकार की एक सच्चाई और भी है। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों
की लाखों पोस्ट खाली रह गई थी, यानी इन पदों पर किसी की भर्ती ही नहीं हुई और बिहार इसमें सबसे ऊपर है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों के लिए 1,87,209 पद खाली थे। ये हाल तब है जब बिहार में छात्रों और शिक्षकों के बीच का अनुपात सबसे खराब है और यहाँ 50 से 60 छात्रों के बीच सिर्फ एक टीचर ही है। यानी एक तरफ तो बिहार में टीचर की भारी कमी है, जबकि दूसरी तरफ बीएड वाले लाखों छात्र वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस सरकार को जवाब देना है वे तो उन्हें पहले से ही ठग चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।